फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब आर्ट गुरु में। आज हम इस वीडियो में नंबर एक, लोगों द्वारा जो भ्रम की स्थिति पैदा किए हैं, और नंबर दो, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी 2020 का विज्ञापन क्यों अस्थायी रूप से निरस्त किया है, उसके बारे में बताया है। फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र मौर्य, आइए देखते हैं निरस्त विज्ञापन की वीडियो। इसमें नंबर एक, जो लोग भ्रम की स्थिति में हैं, उनका कहना है कि क्या नया विज्ञापन आने पर कला की शैक्षिक योग्यता में बदलाव होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि शैक्षिक योग्यता कोई बदलाव नहीं होगा। जो आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं वह गलत है। कुछ लोगों का कहना है कि नई विज्ञप्ति में कंप्यूटर के कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि कंप्यूटर के कैंडिडेट को नई विज्ञप्ति में शामिल किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी 2020 का विज्ञापन निरस्त केवल दो बातों को लेकर किया है। नंबर एक, जीव विज्ञान कैंडिडेट को नए विज्ञापनों में शामिल करना है। नंबर दो, तदर्थ शिक्षक एवं फ्रेश कैंडिडेट के अंक निर्धारण की कमियों को सुधार करने के लिए किया गया है। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, किसी प्रकार का भ्रम न पालें। नई विज्ञप्ति जल्द से जल्द 10 या 15 दिन में जारी होगी। जो कैंडिडेट फॉर्म भर चुके हैं उनको फॉर्म अपडेट करना पड़ेगा, फीस दोबारा नहीं भरनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा निरस्त विज्ञापन नोटिस। इसमें देखिए दिया गया है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, पत्रांक संख्या वगैरह दिया है। एक ही परीक्षा में तदर्थ शिक्षक एवं फ्रेश अभ्यर्थियों हेतु भिन्न भिन्न अंक देने की व्यवस्था में सुधार करने, जीव विज्ञान विषय को विज्ञापन में सम्मिलित करने की आवश्यकता एवं प्रतियोगियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सिविल अपील संख्या 8300/2016 संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन व अन्य में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26/8/2020 के अनुपालन के दृष्टिगत विज्ञापन संख्या 1/2020 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी व विज्ञापन संख्या 2/2020 प्रवक्ता पीजीटी के विज्ञापन दिनांक 29/10/2020 को एते द्वार निरस्त किया जाता है। चयन बोर्ड द्वारा नए विज्ञापन की अधिसूचना अतिशीघ्र जारी होगी। पहले ऑनलाइन आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को आवेदन करने की आवश्यकता होगी, किंतु पुनः शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। शुल्क नहीं जमा करना है, केवल आपको फॉर्म अपडेट करना है। फ्रेंड्स, ये पेपर में प्रयागराज में निकला था। चयन बोर्ड ने टीजीटी प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन निरस्त किया। विज्ञप्ति में कहा गया कि प्रतियोगियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये विज्ञापन निरस्त किया गया है। इसमें देखिए, अब तदर्थ शिक्षकों को मिलेगा वेटेज का लाभ। प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती 2020 का विज्ञापन हुआ निरस्त। ये पेपर में निकला है प्रयागराज के। प्रदेश के हजारों तदर्थ शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, उन्हें अब नियमित शिक्षक बनने के लिए वेटेज अंकों का सही से लाभ मिलेगा, क्योंकि चयन बोर्ड प्रति प्रश्न कम अंक मिलने की खामी दूर करने जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश की वर्चुअल मीटिंग में, अभी आपको बताया कि वर्चुअल मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है, तदर्थ शिक्षकों को 1.75 अंक प्रति वर्ष का अधिकतम 35 अंकों का वेटेज देने का निर्णय लिया था, लेकिन दोनों पदों के लिए प्रति प्रश्न मूल्यांकन आम प्रतियोगी से कम रखा था। मसलन टीजीटी के प्रतियोगी को एक प्रश्न सही होने पर 4 अंक मिलते, लेकिन तदर्थ शिक्षक को 3.72 अंक से ही संतोष करना पड़ता। इसी तरह से पीजीटी में आम प्रतियोगी को एक प्रश्न सही होने पर 3.4 अंक व तदर्थ शिक्षक को 3.12
अंक ही मिलता। बैठक में सदस्य डॉक्टर धीरेन्द्र द्विवेदी, डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय, डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी, डॉक्टर ओम प्रकाश राय व उप सचिव नवल किशोर मौजूद थे। अब प्रश्नों के मूल्यांकन में मिलेंगे समान अंक। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि टीजीटी का प्रतियोगी 100 प्रश्न सही करता है तो उसे 400 अंक और तदर्थ शिक्षक इतने ही सवाल सही करने पे 372 अंक पाता। इससे उसे वेटेज अंकों का अपेक्षित लाभ नहीं मिलता। विधि विभाग ने भी इस मूल्यांकन प्रणाली को शीर्ष कोर्ट की अवमानना करार दिया। ऐसे में अब दोनों का समान मूल्यांकन करने की तैयारी है। संशोधित विज्ञापन में इसका प्रमुखता से उल्लेख रहेगा। चयन बोर्ड ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी में जीव विज्ञान विषय को शामिल करने का निर्णय लिया है। इससे भर्ती के कुल पदों की संख्या भी बढ़ सकती है। चयन बोर्ड की वेबसाइट पर कहा गया कि प्रतियोगी के हित में बुधवार को यह निर्णय लिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी को टाइम टेबल के अनुसार निरंतर जारी रखें। अब नई विज्ञप्ति के अनुसार समय और मिलेगा तो आप किताब की मटेरियल को बारीकी से तैयार कर लीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ।